हमने कोई प्लास्टिक वास्टिक यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होता और जैसे कि आपको पता है बहुत हानिकारक है। और आप बाहर भी देख सकते हैं हमने प्लांट्स वन चारों ओर लगाया, कुछ गुलाल नहीं है, कुछ साउंड नहीं है। जैसे लकड़ी का गणेश बनाओ या रफ पेपर जो यूज़ होता है आप उसको वेस्टेज मत करो, उससे गणपति बनाओ, या उसके बारे में जो मटेरियल जो होता है वो आप यूज़ करो, या कपड़े का गणपति है तो मतलब तो पर्यावरण के लिए भी वो अच्छा रहेगा। यानी प्रदूषण उतना है, पानी स्वच्छ रहा दो यानी प्लास्टर जो है पानी खराब हो दो प्रदूषण होता थे नहीं। फिलहाल इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाए तो हिसाब से यही चल रहा है। अभी प्लास्टर पहले से इकोनॉमी के लिए थोड़ी कॉस्टली आती है, फिर हिसाब से ये बराबर चल रहा है हमारे हिसाब से। प्लांट लगाए कि वो दिखने में भी अच्छा दिखे और वातावरण को भी अच्छा बनाए रखे। डेकोरेशन में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं वापरते या थर्मोकोल नहीं वापरते। डेकोरेशन हम लोग सिंपल रखते हैं, खाली गणपति हम लोग का ओपन रखते हैं और सिर्फ पेंटिंग रखते हैं जो भी हर एक घर पे जाके वो वापस उसका यूज हो। एक्चुअली इको फ्रेंडली गणपति घर में लाना चाहिए, इससे हम लोग ना ही गणपति को अच्छी तरह से हम लोग सेवा कर सके, इवन हम लोग अपनी कंट्री का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते, उनका भी कुछ सेवा कर सकते। सामने कॉलेजेस है और स्कूल के बच्चे लगे हैं, रेसिडेंशियल है तो इसलिए नॉइस पोल्यूशन वगैरह नहीं करते हम लोग। कुणाला हार्टचा प्रॉब्लम असतो, कुणाला ब्लड प्रेशरचा असतो, तर सर्वांना बघून आपण फटाके वगैरह डीजे साउंड वगैरह हे वाजवणं आवश्यक नाही आहे।